अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल ओके। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रेसिपी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमदान का एक और एपेटाइज़र, और उसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हैं। ये मेरे पास शिमला मिर्च है, बेल पेपर 3 कलर में, और कटी हुई राउंड हरी मिर्च है, गोल कटा हुआ एक लाल प्याज है, सो वन रेड अनियन, सम बेल पेपर्स, ग्रीन चिली फॉर रमदान एपेटाइज़र, एंड आई हैव हियर बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड सॉस, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड सम योगर्ट, एंड आई ऑल्सो हैव हियर 1 kg ऑफ चिकन विच इज़ कट इंटू वेरी वेरी स्मॉल स्लाइसिस, एंड ऑन द लेग पीस यू कैन गिव ऑल्सो कट, लाइक 1 or 2 कट इन साइड, सो द मैरिनेशन कैन गो इन साइड। एक दो कट लगा लें चिकन को ताकि उसमें मसाला अच्छी तरह से चला जी। तो अपनी मैरिनेशन शुरू करते हैं हम। विल स्टार्ट ओवर मैरिनेशन फॉर रमदान एपेटाइजर। सो आई विल एड फर्स्ट ऑफ ऑल 4 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट। इफ योर योगर्ट इज थिक एंड क्रीमी इज मच बेटर। ओके ओके, देन आई एम गोइंग टू एड, सॉरी, 2 टेबल स्पून ऑफ बारबेक्यू सॉस। यू कैन यूज एनी ब्रांड ऑफ बारबेक्यू सॉस, सो अराउंड 2 टेबल स्पून ऑफ बारबेक्यू सॉस एंड 2 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड सॉस। सो आई हैव हियर 2 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड सॉस एंड 2 टेबल स्पून ऑफ बारबेक्यू सॉस। देन आई एम गोइंग टू एड 1 big scoop ऑफ चिली फ्लेक्स, एक बड़ी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, 4 चम्मच योगर्ट, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच बारबेक्यू सॉस और 2 चम्मच मस्टर्ड सॉस, एंड यू कैन ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बिकॉज सॉस इज हैव द सॉल्ट इज वेल। सो आई एम ओनली गोइंग टू ऐड 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। नमक अपनी पसंद से, मैंने आधी चम्मच डाला है क्योंकि बारबेक्यू सॉस और मस्टर्ड सॉस में भी सॉल्ट होता है। देन वी गोइंग टू मिक्स ऑल दिस ओवर स्पाइस इन द योगर्ट। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ योगर्ट में जो मैंने स्पाइस डाली है। सो ऑन दिस स्टेज आई एम गोइंग टू ऐड 1/2 टेबल स्पून ऑफ पेपरिका पाउडर कलर देने के लिए, फॉर कलर, आधी चम्मच पेपरिका पाउडर, टमाटर पाउडर ज़रा कलर देने के लिए, और 1/2 टीस्पून ऑफ फ्रेश कोरिएंडर पाउडर, आधी चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। सो दैट्स इट, आई डोंट नीड एनी मोर स्पाइसेस बिकॉज वी आम नो यूजिंग एनी काइंड ऑफ तिक्का मसाला, सो दिस गोना बी अ बिट डिफरेंट एपेटाइजर। इसमें तिक्का मसाला नहीं डाल रहा है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। सो आफ्टर मिक्सिंग पेपरिका पाउडर एंड फ्रेश कोरिएंडर पाउडर आई एम गोइंग टू ऐड अबाउट 1 tablespoon of oil, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच तेल। ओके, सो बिकॉज ऑफ स्पाइसिस क्वाइट योगर्ट की वजह से थिक है तो मैं इसमें डालूंगी 1 tablespoon ऑफ वाटर एंड मिक्स वेल, 1 चम्मच पानी डालूंगी और फिर मिक्स करूंगी। सो नाउ माई पेस्ट इज रेडी, मेरा पेस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसमें पेपर्स एंड ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी। आई विल ऐड द पेपर्स एंड ग्रीन चिलीज। एंड देन माय अनियंस। सो दैट्स लाइक अ 1 medium size ऑफ अनियन। ओके, नाउ आई विल मिक्स ए ऑल नाइसली।
Oh, sorry. So on this stage I will add my chicken. अब मैं अपना चिकन ऐड कर दूंगी एंड आई एम गोइंग टू मिक्स ऑल दिस वेल विद द हैंड. अब मैं इसको हाथ से मिक्स कर लूंगी. जी, तो मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया. आई मिक्स ऑल द स्पाइसेस वेल एंड नाउ आई एम गोइंग टू लीव दिस मैरिनेशन फॉर 4 आवर्स. अब 4 घंटे के लिए इसको मैं क्लीन फिल्म लगा के रख दूंगी. अब पुट क्लीन फिल्म ऑन द टॉप और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे. देन आई विल शो यू इंशाल्लाह व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो लीव दिस मैरिनेशन फॉर 4 आवर्स एंड पुट क्लीन फिल्म ऑन द मैरिनेशन. व्यूअर्स, तो ये जो मैरिनेशन की थी ये हमने ओवन ट्रे में, मैंने किचन फॉयल डाली है और इसमें मैंने चिकन अपना डाल दिया एपेटाइज़र. अब हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और ओवन में बनाएंगे. सो आई विल कवर दिस विद द किचन फॉयल एंड आई विल पुट इन द ओवन. जी, तो ये मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था. इफ़ यू हैव अ गैस ओवन देन गैस मार्क 8 और अगर फैन ओवन है तो 250 सेंटीग्रेड पे 1 आवर के लिए हम इसको बनाएंगे ओवन में. जी व्यूवर्स, तो ये हमारा रमदान एपिटाइज़र रेडी है ओवन में बेक करने के बाद. सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.